सो इस ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट के क्वेश्चन में जो हमें चीज़ें नोट करनी है वो एक तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या है वट अमाउंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट जॉइंट कॉस्ट की वो अमाउंट निकालनी है जो कि हमने प्रोडक्ट एक्स को अपॉशन करनी है मेथड कौन सा यूज़ करना है यह नोट करना बहुत ज़रूरी है जॉइंट कॉस्ट कितनी है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड प्राइसज दी हुई हैं दोनों प्रोडक्ट्स की और टोटल यूनिट्स दिए हुए हैं सो so, जब भी आप जॉइंट बाय बाई प्रोडक्ट का क्वेश्चन करेंगे तो सेल्स वैल्यू मेथड में सबसे पहला काम ये होगा कि आपको सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी दोनों प्रोडक्ट्स की सो वी हैव टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई इसमें जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि कभी कभार एग्जामिनर आपको प्रोडक्शन और सेल्स दोनों की यूनिट्स दे, दे देता है और इस वर्ड से लोग डिस्गाइज हो जाते हैं कि सेल्स वैल्यू है तो यूनिट सोल्ड उठाएंगे नहीं आपने हमेशा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड उठाने हैं यूनिट सोल्ड नहीं उठाने हैं क्योंकि हम जो यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उनके दरमियान कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी वो वैल्यू उठानी है जिस जिसपे हम उसको बेच सकते हैं सो so, इस क्वेश्चन में तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं हमारे पास प्रोडक्शन ही दी हुई है सेल्स दी हुई नहीं है बट जहाँ एग्जामिनर सेल्स भी दे देगा कि इतने यूनिट्स सेल किए हैं और इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो वहाँ सेल्स वैल्यू निकालने के लिए आपको हमेशा यूनिट्स प्रोड्यूस उठाने हैं ताकि आप जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उन यूनिट्स प्रोड्यूस के दरमियान सो सेल्स यूनिट्स फाइव सॉरी प्रोडक्शन हमारी फाइव थाउजेंड है और प्राइस हमारी टेन डॉलर है फॉर एक्स सो इट्स गी फिफ्टी थाउजेंड डॉलर यानी ये पांच हजार यूनिट्स हम फिफ्टी थाउजेंड में बेच सकते हैं और जो रिमेनिंग टू थाउजेंड वाई के हैं वो हम एक यूनिट ट्वेंटी का बेच सकते हैं सो फोर्टी थाउजेंड एंड दोनों को आप ऐड करते हैं तो नाइन्टी थाउजेंड आ जाएगा अब जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक्स अब जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेकेंड स्टेप में आप पहले जॉइंट कॉस्ट उठाएंगे दैट इज़ फिफ़्टी सिक्स थाउजेंड उसको जिस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके उससे डिवाइड करेंगे बेसिस हमारे पास सेल्स वैल्यू है और दोनों प्रोडक्ट्स की मिलाकर सेल्स वैल्यू नाइन्टी थाउजेंड है सो नाइन्टी थाउजेंड से आप उसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे उस प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू से जिसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम एक्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो एक्स की सेल्स वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सो अगर हम फिफ्टी सिक्स थाउजेंड को नाइन्टी थाउजेंड से डिवाइड करें और फिफ़्टी थाउजेंड से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा थ्री वन 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 डॉलरस सो सी इज़ आर आंसर बट जस्ट हमारी प्रैक्टिस के लिए मैं वाई भी कैल्कुलेट करा देता हूँ वाई के लिए भी हम यही प्रोसेस इख्तियार करेंगे फिफ्टी सिक्स थाउजेंड डिवाइड बाय नाइन्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई जो कॉस्ट हमारी सेल्स uh, वैल्यू है हमारी बी प्रोडक्ट वाई की वो हम मल्टीप्लाई करेंगे सो द आंसर विल बी टू फोर एट एट नाइन डॉलर दैट्स गोइंग टू बी द आंसर अगर हमसे वाई